कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का असर भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर के स्टेशन चौक, घंटाघर, रानी लक्ष्मीबाई चौक, ततारपुर चौक, पटेल चौक, पर्वती चौक, तिलका मांझी समेत विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद हैं। पुलिस अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है और कई जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने उठक बैठक कराकर घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस जहां सभी आने जाने वालों से पूछताछ करती दिखी, वहीं आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वालों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया। लॉकडाउन को लेकर शहर के विभिन्न चौराहों पर सन्नाटा पसरा दिखा और कई खाद्य सामग्री की दुकानों पर ताला लटका रहा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि एवं बासंती नवरात्र के नौवें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर के श्री राम एवं हनुमान मंदिरों में भव्य रूप से पूजन समारोह का आयोजन किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना, संकट मोचन राम भक्त हनुमान को महावीरी पताका और ध्वज चढ़ाया जाता है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी को लेकर कई दिनों पूर्व से ही शोभा यात्रा एवं मंदिरों में रंग रोगन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले भर में रामनवमी की चहल पहल नदारद रही। पिछले वर्ष जिन सड़कों एवं चौक चौराहों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहाँ कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पसरा रहा। रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को जहां घरों में लोगों ने पूजा अर्चना की, वहीं अधिकतर मंदिरों में केवल मंदिर प्रबंधन एवं उससे जुड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा कर महावीरी ध्वजा लहराया। भागलपुर के घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त ध्वजा चढ़ाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण महज गिनती के ध्वज लगाकर मंदिर को बंद कर दिया गया, जबकि इसके अलावा कई हनुमान मंदिरों में रामनवमी की औपचारिकता ही दिखाई दी। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं जिले में किए गए लॉकडाउन को लेकर जिलेवासियों से सहयोग एवं कानून का पालन करने की अपील की है। डीएम ने सभी आम व खास से कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, किसी भी संदिग्ध की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में देने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क एवं सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करने और खाद्य सामग्री की खरीदारी के दौरान भीड़ नहीं लगाने का आग्रह किया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संगठन, चिकित्सकों, जिलेवासियों एवं आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से न सिर्फ भागलपुर बल्कि पूरा देश और ये दुनिया भी प्रभावित है, और इसको लेकर के दिनांक 24 तारीख से ही पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में लगातार आपका सहयोग मिल रहा है और आपके सहयोग से ही हम कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप अनावश्यक सड़कों पर न निकलें। यदि अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और निकलते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और यथासंभव बाहर न निकलें। आपकी सुविधा के लिए आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है और नियंत्रित कीमत पर होम डिलीवरी के माध्यम से भी सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ तक कि आपकी सुविधा के लिए विभिन्न प्राइवेट डॉक्टर्स के नंबर जारी किए गए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आपने किसी भी तरह का संक्रमण दिखता है या आपकी जानकारी में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण दिखता है तो आप तुरंत एकांतवास में रहें और चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। इस तरह के कार्य कर आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका सहयोग लगातार मिल रहा है और आपके सहयोग से ही इस संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। यदि आपको किसी भी तरह के सहयोग की अपेक्षा हो या किसी तरह की भी सूचना देनी हो तो आप जिले के नियंत्रण कक्ष 0641-242-1073 या मेरे मोबाइल नंबर 9473191381 पर दे सकते हैं। लेकिन आपसे मेरी पुनः अपील है
आप इस कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा एवं सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो सूचनाएं प्रसारित की गई हैं, उनका अनुपालन अवश्य रूप से करें और यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित रहें, पूरे समाज को सुरक्षित रखें। भागलपुर SSP आशीष भारती ने गुरुवार को अंगिका भाषा के जरिए अंग प्रदेश के लोगों से संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। SSP ने अंगिका भाषा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि जानलेवा वायरस कोरोना से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। SSP ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को सतर्क रहने के साथ एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना चाहिए, साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। अंगिका में संबोधन के दौरान SSP ने कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने एवं अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। हमें आशीष भारती वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर अपने सिनी सभी लोगों के प्रणाम करे छे। अपने सिनी जाने छे कि इस समय में अपनो पूरा देश आरो सौंसे विश्व में जान मारे वाला कोरोना नाम के बीमारी के विषाणु जकरा वायरस कहलो जाय छे, बड्डी जोर से महामारी बनी के पसरलो छे। एकरा से बचे लेली कोई टीका या दवाई नै बने सकलो छे। एकरा से बचे के बस एकेटा उपाय छे कि हमरा से नी परहेज करो आरो साफ सफाई पर ध्यान दो, एक दूसरा से कम 1 मीटर की दूरी बनेले रखना छे, एक दूसरा से न हाथ मिलाइए, न गला मिलिए, न गोर छुई के प्रणाम करिए और न अपनो आँख मुंह नाक छुइए। इन नियम बनाए लिए कि थोड़ी थोड़ी देरी में अल्कोहल मिलो सैनिटाइजर या साबुन से खूब बढ़िया से ओंगरा सिनी के हाथों के रगड़ी सफाई करते रहो। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां सरकार एक तरफ सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर गुरुवार को भागलपुर के पर्वतीय इलाके में देखने को मिली, जहां पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने राहत पैकेज लेने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। दरअसल पर्वती के ही लोगों ने समाज के असहाय लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री बांटने की व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा जुट गई कि पुलिस भी लाचार दिखी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों एवं सड़कों पर फॉगिंग एवं स्प्रेयर मशीन से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम कर्मी जगह जगह स्प्रेयर मशीन से सड़कों, गलियों एवं घरों के आसपास सैनिटाइज करने के साथ ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का छिड़काव कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर आयुक्त जे प्रदर्शनी को शहर की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने एवं सभी जगहों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर निगम प्रशासन द्वारा शहर के बाजारों एवं विभिन्न जगहों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। उपनगर आयुक्त SP वर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साफ सफाई रखना आवश्यक है और भागलपुर नगर निगम WHO की गाइडलाइन के अनुसार स्प्रे मशीन से शहर को सैनिटाइज करा रही है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। के लिए हमारे यहां जो जेटिंग मशीन है और 50 को 10 से 12 लीटर का छोटा स्प्रेयर मशीन है, वो सभी वार्डों में प्रतिदिन सोडियम हाइपोक्लोराइड 100 लीटर पानी में 4 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड की मात्रा को मिला करके जो WHO का गाइडलाइन है उसके अनुसार से स्प्रेइंग का काम, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है जेटिंग मशीन का, तो जेटिंग मशीन में हम लोगों का जो बड़े बड़े कार्यालय जैसे मायागंज हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, DM साहब का सभा कक्ष में डेली VC हो रहा है, तो उसको सैनिटाइजेशन किया करने का काम बड़े मशीन से किया जा रहा है। और ये लगातार जब से COVID-19 का प्रकोप और लॉकडाउन हुआ है उसके बाद 23 तारीख से लेकर के आज तक लगातार जारी है।
कोरोना वायरस के संदिग्ध एवं पीड़ित मरीजों की जांच के लिए जहां भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सदर अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की गई है, वहीं जगदीशपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संदिग्धों एवं बाहर से आने वाले लोगों की जांच की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की तैनाती तो की गई, लेकिन यहाँ डॉक्टरों के पास कोरोना मरीजों की थर्मल स्कैनिंग करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर केवल बाहर से आने वालों से उनके स्वास्थ्य और ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जाती है और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें मायागंज अस्पताल या सदर अस्पताल जांच के लिए भेज दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वहाँ के चिकित्सक सेवलॉन या साबुन से ही अपना काम चलाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के अनुसार जिस व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं पाया जाता है उसे होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है और नियमित तौर पर चिकित्सक लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब अस्पताल में जांच करने की सुविधा नहीं होगी तो केवल जिला अस्पताल के भरोसे लोगों की जाँच कैसे संभव होगी। इसको यही सलाह देंगे कि वहाँ जा करके आप लोग मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में इसकी व्यवस्था है, जांच करा करके यहाँ से आ जाए। हमारे यहाँ जांच की व्यवस्था नहीं है। सर आप लोग क्या क्या करते हैं? सर जैसे कोई भी आता है बाहर वाला जी, पहले क्या करते हैं सर? तो उसको हम लोग अपना स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है कि हम लोग उसको ट्रेस करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं जी सर, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या क्या संभावना हो सकती है। अगर हमको लक्षण मिलता है तो इसको जाँच के लिए जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इन दिनों अगलगी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। बुधवार को पीरपैती गोविंदपुर पंचायत के रामनगर गांव में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी शक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि घर में रखा 3 सिलेंडर भी तेज धमाके के साथ विस्फोट कर गया है। फिलहाल आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस की त्रासदी को देखते हुए कई जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान कर रहे हैं। इधर भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 27 के पार्षद उमर चांद ने भी अपने 6 माह का भत्ता मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पार्षद ने नगर निगम से मिलने वाले भत्ता की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित करने के लिए गुरुवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में पार्षद उमर चांद ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए वित्तीय वर्ष 19-20 के 6 माह का भत्ता मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर करने की बात कही है। वहीं पार्षद ने इससे संबंधित एक पत्र नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी को भी दिया है। साथ ही कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है और हम सबों को कोरोना पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आम लोग समाज के असहाय लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद को सामने आ रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटने और राहत सामग्री देने में भागलपुर पुलिस भी काफ़ी मददगार दिख रही है। गुरुवार को ततारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर साहबुद्दीन, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हादी मोहम्मद अख्तर हुसैन और सैयद असद इकबाल रूमी समेत कई लोगों ने गरीबों के बीच राशन बांटा। इस दौरान कैंपस में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए डॉक्टर रहमान ने सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। वहीं हाजी अख्तर हुसैन ने कहा कि महासंकट के इस काल में सभी लोगों को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मौके पर मुनाफ खान, मोहम्मद तबरेज समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं लॉकडाउन के बाद बिहार राज्य सिया बफ बोर्ड की ओर से भागलपुर के असानंदपुर में 1 दर्जन से अधिक जरूरतमंद परिवार के बीच राशन मुहैया कराया गया। जिला सिया कमेटी के सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि जल्द ही गरीब परिवारों के बीच राहत पैकेट भी बांटा जाएगा।